अगर आपने कल की मूवी देखा है तो आप भी मेरे इस बात से एग्री करोगे कि उस मूवी का जो सबसे अच्छा पार्ट था ना वो महाभारत वाला सीन ही था। मतलब जब भी स्क्रीन पर महाभारत का सीन आ रहा था तो फैंस एकदम पागल हो जा रहे थे और वो मूवी के स्केल को और भी ज्यादा बढ़ा दे रहा था। और इस मूवी को पब्लिक इतना ज्यादा पसंद इसीलिए कर रही है क्योंकि इसमें महाभारत की कहानी को दिखाया गया है और इसीलिए यह मूवी इतना ज्यादा बड़े नंबर कलेक्ट कर रही है। तो जिसका मतलब यही होता है कि पब्लिक को महाभारत की मूवी चाहिए, क्योंकि अगर मूवी में 5 या 10 मिनट के महाभारत के सीन को देखकर पब्लिक एकदम पागल हो रही है और पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो सोचो अगर महाभारत के ऊपर पूरी मूवी बन जाती है तो फिर तो वो मूवी जितने भी पिछले बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड है ना उन सभी को तोड़ देगी और एक अलग ही लेवल का रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमें महाभारत की मूवी क्यों नहीं देखने को मिली है और क्या कभी हमें महाभारत के ऊपर मूवी देखने को मिलेगी भी या फिर नहीं, आज के स्टूडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो बॉलीवुड में या फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्टर डायरेक्टर हैं जो कि महाभारत के ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर भी हैं जैसे कि अपने आमिर खान, एसएस राजामौली या कुछ ऐसे फेमस लोग हैं जो कि महाभारत के ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी डायरेक्टर महाभारत के ऊपर मूवी बनाना चाहता है तो उसको काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो उस मूवी का जो बजट है ना वो काफी ज्यादा हाई होगा। मतलब अगर अभी के स्टैंडर्ड को देखकर अगर कहें ना तो उस मूवी का बजट लगभग 2000 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि देखो महाभारत की जो कहानी है ना वो काफी बड़ी है और इसमें एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर एकदम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अपने 5 पांडव और कौरवों को छोड़कर भी इसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट है और अगर उनकी परफॉर्मेंस मूवी में अच्छी नहीं रही तो फिर वो मूवी ही खराब बन जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि इस मूवी को बनाने के लिए इस मूवी में कई सारे अच्छे एक्टर्स भी चाहिए। अब अगर आप अच्छे एक्टर्स लेते हो तो उनकी फीस भी काफी ज्यादा हाई रहेगी, जिस वजह से मूवी का बजट जो है ना वो और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं पे जो इस मूवी में सेट डिजाइन यूज होंगे ना वो भी काफी बड़े बड़े होंगे और वो ऐसे होने चाहिए ना जो कि दिखने में एकदम रियल लगे। साथ ही में ये मूवी एकदम VFX हेवी होगी, जिसमें CGI, VFX, SFX एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो अब अगर इन सारे चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं तो मूवी का बजट लगभग 2000 करोड़ तो हो ही जाएगा, जिस वजह से अभी के टाइम में इतने ज्यादा बजट के साथ ये मूवी कोई भी नहीं बनाएगा, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट होगा जो कि हो सकता है कि फेल भी हो जाए। लेकिन इंडिया में एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि महाभारत के ऊपर मूवी बना सकता है और साथ ही में अगर उस मूवी का बजट 2000 करोड़ भी रहा ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर एसएस राजामौली के बारे में, जिन्होंने बाहुबली, मगध, हीरा और RRR जैसी मूवी बनाई है और ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि ये महाभारत के ऊपर मूवी बनाए। तो अगर ये कभी भी महाभारत के ऊपर मूवी बनाते हैं तो मूवी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि देखो एसएस राजामौली सर जो है ना वो इंडिया के ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके मूवी में किसी बड़े स्टार की जरूरत नहीं होती है और अगर कोई अननोन फेस आकर भी उस मूवी में काम करेगा ना तो भी वो मूवी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी जितना कि वो मूवी एक स्टार के साथ होगी, क्योंकि राजामौली की जो मूवी होती है ना उनको लोग डायरेक्टर की वजह से देखने के लिए जाते हैं ना कि एक्टर की वजह से, जिस वजह से स्टार को कास्ट करने का पैसा तो सही बच जाएगा। बाकी बात आती है इस मूवी के डायरेक्शन के ऊपर तो भाई ये काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, मतलब ये हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर काफी अच्छे से मूवी बनाते हैं। अब चाहे तो आप इनकी मगधीरा मूवी देख लो या फिर बाहुबली मूवी को देख लो, इन दोनों ही मूवी का जो डायरेक्शन है ना वो काफी परफेक्ट है और इसका जो स्टोरी टेलिंग है ना वो भी काफी जबरदस्त है, जिस वजह से अगर महाभारत के ऊपर मूवी बनती है और उसको ऐसे राजामौली डायरेक्ट करते हैं तो वो मूवी काफी बवाल होगी और पब्लिक सिर्फ ऐसे राजामौली के नाम पर ही उस मूवी को देखने के लिए चली जाएगी। और हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी की जो स्टोरी है ना वो काफी लंबी है, जिसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है, तो जिस वजह से महाभारत की स्टोरी को एक मूवी में दिखाना ये काफी इम्पॉसिबल बात है, जिसके कारण इस मूवी का एक नहीं बल्कि 2 या 3 पार्ट आना चाहिए। मतलब अगर ये मूवी बनती है तो इसको पार्ट बाई पार्ट बनाना चाहिए, जिस वजह से मूवी का बजट भी कम पड़ेगा और आपको अगली मूवी बनाने के लिए पहली मूवी पैसा कमाकर खुद ही देगी। बाकी इसके अलावा आमिर खान ने भी एक बार कहा था कि वो इसके ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं शायद वो फिर भूल गए इस मूवी को बनाने के लिए, शायद देखो फ्यूचर में कभी बना ले वो इस मूवी को, क्योंकि अभी इस तरह की मूवी को पब्लिक काफी पसंद कर रही है, जिस वजह से हो सकता है कि हमें बहुत जल्द महाभारत के ऊपर मूवी देखने को मिल जाए जिसको कोई और नहीं बल्कि एसएस राजामौली ही डायरेक्ट करेंगे। बाकी डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने भी एक ऐसा अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग महाभारत के ऊपर सीरीज बना रहे हैं जिसको प्रोड्यूस करेंगे अपने अल्लू अर्जुन, और इस सीरीज के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट को भी रिलीज किया गया था, लेकिन अभी तक इस सीरीज का कुछ भी अता पता नहीं है कि ये सीरीज बन रही है या फिर नहीं बन रही है। मैं पर्सनली इस सीरीज को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि देखो महाभारत की जो स्टोरी है ना उसको सीरीज में ही दिखाया जा सकता है अच्छा से, क्योंकि सीरीज में स्टोरी दिखाने के लिए ज्यादा टाइम होता है, वहीं पे मूवी में कम टाइम होता है। अब देखो सीरीज बने या फिर मूवी बने, मैं तो बस इसको लाइव एक्शन में देखना चाहता हूँ। अब उसको एसएस राजामौली बनाए या फिर डिज्नी बनाए, मुझे ऐसा लगता है ना कि रणवीर कपूर के रामायण मूवी के बाद से महाभारत के ऊपर मूवी बनाने का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी देखते हैं कि हमें रामायण की मूवी कब देखने को मिलती है। इसके अलावा मैंने कल की मूवी के पार्ट 2 के ऊपर एक थ्योरी वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि इस मूवी का जो पार्ट 2 की स्टोरी होने वाली है ना वो क्या हो सकती है। इसके अलावा मैंने कल की मूवी के कई सारे सवालों का जवाब भी दिया है, तो अगर आपने मेरे उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप उस पर टैप करके वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।